हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर आपने देखा था कि किस तरीके से मैंने टॉप मेडिकल कॉलेजेस जो है उनकी रैंकिंग डाली थी, NIRF रैंकिंग डाली थी, उनकी क्लोजिंग रैंक डाली थी और आपको हेल्प मिलेगी कि मुझे टॉप में से कौन सा कॉलेज ढूंढना चाहिए, यानी कि वो था टॉप रैंकर्स के लिए। अब ये जो वीडियो है वो उनके लिए है जिनकी रैंक जो है वो मीडियोकर रैंक है, मतलब कि 8000 से ऊपर की रैंक, यानी कि लास्ट ईयर जो है 2019 के अंदर जिनकी रैंक 8000 से लेकर के 12618 के आसपास, यानी कि क्लोजिंग रैंक के आसपास जिनकी रैंक थी, यानी कि इसको मीडियोकर रैंक बोलेंगे, इनमें कौन से कॉलेजेस जो हैं वो ऑप्ट किए थे, लास्ट में कौन से मेडिकल कॉलेजेस को लोगों ने प्रायोरिटी दी थी, स्टूडेंट्स वहां गए थे, उसी के बेसिस पे ही 2020 में आपको आइडिया मिल जाएगा कि मेरी रैंक अगर यहां तक है, 8-10 हजार तक है, 12 हजार तक है, या फिर इस साल जो है वो मेडिकल कॉलेज कौन सी रैंक तक जाएंगे, लास्ट वहां तक जो भी कॉलेजेस आते हैं वो कौन से स्टेट के कॉलेजेस हैं, किस स्टेट में ऐसे कॉलेजेस का नंबर ज्यादा है, ऐसा सारा क्वेश्चन आपके दिमाग में जो है उसका आंसर देने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। और दूसरी एक और बात कि वो जो मेडिकल कॉलेज जो लास्ट रैंक्स के ऊपर उठते हैं जिन स्टेट्स के, उनकी फी क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। जैसे कि मान लो कि किसी पेरेंट्स की अगर गर्ल स्टूडेंट है तो वो क्या है कि वो पहले सोचते हैं कि यार उनको स्टेट में कहीं नहीं मिल रहा है, तो फिर वो अदर स्टेट को जब चूज करते हैं तो पहले क्लाइमेट जोन देखते हैं, देन वो सोचते हैं कि अगर हमें फाइनली अगर कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ रहा है, हमारे क्लाइमेट जोन जो हमारे पसंद का है उसमें नहीं मिल रहा है, मान लेते हैं कि वो छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, उनको वहां भेजना पड़ रहा है, मान लेते हैं कि उनको महाराष्ट्र भेजना पड़ सकता है, तो फिर वो डिसीजन ले सकते हैं कि फीस है, कि जिस कॉलेज के अंदर फीस जो है वो कम होगी वहां पर आप भेज सकते हैं, है ना। इस तरीके से आपके डिसीजंस जो है वो मेकिंग जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी ये वीडियो देखने के बाद में। इसीलिए मैंने आपके सामने पेश किया है फी स्ट्रक्चर ऑफ मीडियोकर मेडिकल कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू AIR, स्टेट वाइज दिया है, 2019 के डेटा दिए हैं मैंने आपको। देखिए मैंने स्लाइड में क्या मेंशन किया है, आप देखिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अनरिजर्व कैटेगरी की अगर बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में 2019 के अंदर लास्ट मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया कोटा का 15% वाला 12618 रैंक पर गया था। तो अब अपन देखेंगे कि 12618 से नीचे आए हैं तो 8000 तक लेकर के आए हैं, तो उस रेंज में कौन से मेडिकल कॉलेज है। जैसा कि आपको यह भी पता होगा कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है 2019 के अंदर 235 मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो ऑल इंडिया कोटा से भरी जानी थी वो थी 4591। तो 4591 सीट भरने के लिए रैंक कहां तक लिफ्ट हुई थी अनरिजर्व कैटेगरी में, 12618 तक। इस साल आपको पता है कि 6384 सीट्स हैं गवर्नमेंट की 280 मेडिकल कॉलेजेस में, तो इनको भरने के लिए वो रैंक कहां तक लिफ्ट होगी, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब इसके लिए इतनी है अनरिजर्व में तो इसके लिए तो इससे ज्यादा ही रहेगी ना। तो आप ये मान के चलो कि इस रैंक को 2000-3000 बढ़ा लीजिए, जहां मैंने आपको 8000 से 12000 दिया है तो इस साल आप क्या कर लीजिए उसको, आप उसको कर लीजिए 10000 से लेकर के 14000 तक मान लीजिए, क्लियर, मोटा मोटा ये मान लीजिए, ठीक है। अब इसके आसपास इसको रैंक आ रही है तो एटलीस्ट आपको ये तो पता लग जाएगा कि मैं जो है इस रैंक के अंदर आ रहा हूं तो मेरे लिए कौन से स्टेट ज्यादा प्रायोरिटी रखते हैं, किस स्टेट में मैं जा सकूंगा, क्योंकि अभी कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी सामने, है ना। देखिए तो जितने भी कॉलेजेस की लिस्ट है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्टेट वाइज है, आप देखिए इसको समझिए, जो चार्ट मैंने बनाया है आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, एक बार इसका स्क्रीनशॉट जो भी लेना चाहें ले सकते हैं, ऐसे में डिस्प्ले करता रहूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख लीजिएगा। देखिए ऑल इंडिया कोटा रैंक रेंज अनरिजर्व कैटेगरी की 8000 से 12618 लास्ट रैंक तक दिया है मैंने, स्टेट यहां मेंशन कर ही दिया है मैंने, और फिर ये स्टेट में जो भी कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी यहां पे, एंड देन उनकी क्लोजिंग रैंक भी मेंशन कर दी मैंने, जैसे कि आपको पता लग जाएगा कि मेरी रैंक के अकॉर्डिंग ये क्या जाएगा। जैसे कि किसी स्टूडेंट की 10000 रैंक आ रही है मान लो इस साल, तो आपको मैंने कहा ना 2000 से 2500 रैंक ऐड करनी है इसमें, इसमें 2000 से 2500 क्या करनी है, ऐड कर देना है 2500 रैंक, इतनी ऐड कर दो, ठीक है, फिर आप अनुमान लगा सकते हो कि हाँ यार ये मेडिकल कॉलेज मेरा है या नहीं है, ओके। तो आप देखिए यहां पे फी स्ट्रक्चर मैंने मेंशन कर दिया है, अब आप डिसीजन लेने के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो जब भी आपको लगे कि जिस स्टेट के अंदर ज्यादा कॉलेजेस नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब समझिए कि इनकी क्लोजिंग रैंक देख लेना कि 10000 के आसपास लास्ट ईयर में गई थी, तो इस बार मेरी रैंक लास्ट में है तो मैं महाराष्ट्र जा सकता हूं, क्लियर, यहां मेरे पास ऑप्शंस ज्यादा है।
अगर ये ऑप्शन ज्यादा है तो इनमें से जो मेरी रैंक है वो कौन सी है, वो कॉलेज देख लो और उसका फी देख लो, फिर किसी और कॉलेज भी इस रैंक की रेंज में आ रहा है तो उसको देख लो, उस स्टेट को देख लो और उसका फी देख लो, फिर बात दोनों को कंपेयर कर लो एंड देन डिसीजन ले लो, सिंपल। ये देखो महाराष्ट्र की मेडिकल कॉलेज की लिस्ट वहां चालू हुई थी, अभी खत्म ही नहीं हुई है, देखिए यवतमाल है यहाँ पे देखिए ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेट मैंने कर्नाटक का लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फी देख लीजिए इनकी, फिर कर्नाटक की लिस्ट अभी भी लंबी चौड़ी है, देख लीजिए इनकी फी देख लीजिए, जहां पर भी आपको लगे कि ज्यादा फी है उसको छोड़ दो, क्योंकि रेंज, क्योंकि यहां पर कॉलेज का क्वालिटी कुछ भी नहीं आ रहा है, सबका क्वालिटी एक जैसा ही है। अब क्वालिटी जब एक ही जैसा है तो फिर फी देखिए और क्या है, और फिर जगह देखिए कैसी है ना, क्योंकि सारे 8,000 से 12,000 की रेंज में आ ही रहे हैं, ओके, जो आपको 11,000, 10,000 की सब एक जैसे कॉलेजेस हैं। अब इनमें देख लीजिए आपकी 11,000 दूसरे स्टेट में, कर्नाटका में ये 11,000 के आसपास है, आंध्र प्रदेश में ये भी 11,000 के आसपास है, यहाँ फिर 17,000 है, यहाँ 11,000 है, तो आप देख लीजिए फिर जगह देख लो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में कहाँ जाना है, ऐसे डिसीजन लेते रहिए। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो सारे आंध्र प्रदेश के मेडिकल कॉलेज और भी हैं, ये देखिए, फिर वेस्ट बंगाल है, देखो वेस्ट बंगाल में भी बहुत अच्छी खासी लिस्ट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वेस्ट बंगाल का, उनकी फी देखिए 9,000 तक है, बहुत अच्छी फी होती है, कल्याणी वगैरह दार्जिलिंग अच्छे कॉलेजेस हैं, जा सकते हो। यहाँ पे देखिए तेलंगाना स्टेट जो है उसका मैंने मेंशन कर दिया है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जो भी स्टूडेंट जहां जहां जाना चाहे वहां जा सकता है, क्योंकि ये 8,000 से 12,000 रैंक के अंदर लास्ट ईयर जो है वो बड़े बड़े स्टेट जो कुछ स्टेट थे वो वहां उनके स्टेट में कॉलेजेस नहीं मिल रहे थे, तो फिर उनको जब मूव होना था अदर स्टेट के अंदर तो फिर यहीं जाएंगे और कहां जाएंगे, है ना। तो देखिए आप उनकी रैंक के अकॉर्डिंग वो चले गए, आप इसमें 2,000 से 2,500 रैंक जो है वो इनके अंदर ऐड कर लो, अपनी रैंक देख लो मेरे प्रेडिक्टेड के अकॉर्डिंग और फिर यहाँ पे डिसीजन ले लो फीस देख करके। ये देख लो सारे स्टेट मेंशन किए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, देखे झारखंड, तमिलनाडु, झारखंड की लिस्ट में 2 है, तमिलनाडु में देखो बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं और बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है तमिलनाडु की, देखो यहाँ पर भी ये खत्म नहीं हुई है, अभी भी तमिलनाडु ही है, एक और मेडिकल कॉलेज जो है वो तमिलनाडु। यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ की रेंज में भी देखिए आप, यहाँ पे 10,000 की रेंज के अंदर मिला था, बिहार में देख सकते हैं आप लोग 9,000 के अंदर, आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन से स्टेट में ज्यादा स्टूडेंट जाते हैं मीडियोकर रैंक वाले, वो भी पता लग जाएगा यहाँ से। आप देखिए आसाम जा सकते हैं, ओडिशा जा रहे हैं आप लोग, ठीक है, इस तरीके से आप जाते रहिएगा, बहुत स्क्रीनशॉट ले लो, खटाखट स्क्रीनशॉट ले लो, देखो ओडिशा में, मिजोरम, यूपी में देखो लंबी चौड़ी लिस्ट है, अच्छा आपका क्लाइमेट जोन है नॉर्थ इंडियंस के लिए तो वहां पर जा सकते हैं, फीस भी आपकी ज्यादा नहीं है, आप ले सकते हैं यहाँ पे, ओके। इस तरीके से यूपी में, उत्तराखंड के अंदर, मणिपुर के अंदर, एमपी के अंदर, देखिए आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो आपके पास में जिससे कि आपको काम आएगा। ये देखिए एमपी की लास्ट लिस्ट, जैसे दातिया हो गया, यहाँ पे फीस ज्यादा है, आप देखिए शिवपुरी, इनकी फीस ज्यादा है, तो ज्यादा फीस है तो आप इसको छोड़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार तमिलनाडु इतना साउथ में नहीं जाऊंगा, एमपी में रह जाता हूं, तो फिर आप फीस के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको फी ज्यादा पे करनी पड़ेगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता देता हूं, जो भी फी मैंने आपको यहां पे मेंशन की है वो केवल जनरल कैटेगरी की मेंशन की है, और एक और बात बता देते हैं कि एससी और एसटी की फीस इनसे कम ही लगती है, तो मैंने मेंशन नहीं किया है, वो आप देख सकते हैं। और एक और चीज बताता हूं कि फी स्ट्रक्चर में जो अमाउंट मैंने यहां पे दिया है वो एनुअल फी अमाउंट है। 90% मेडिकल कॉलेजेस क्या करते हैं कि फर्स्ट ईयर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेते हैं, तो 90% मेडिकल कॉलेज आपसे एक्स्ट्रा अमाउंट भी लेंगे, और बड़ा अमाउंट भी हो सकता है, कुछ में छोटा भी हो सकता है, बस उसके बाद में जो फीस लेते हैं वो ये मैंने मेंशन कर दिया, फिर वो उतनी लेंगे, ओके। तो इस तरीके से भी आप पूरा नॉलेज आपके साथ में रखिए, और ये सारी बातें आप देख करके अपने चार्ट से कंपेयर करके आप अपना डिसीजन अभी से स्ट्रांग कर लीजिए, रिजल्ट आने के बाद में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, फटाफट से चॉइस भरी और फटाफट से मेडिकल कॉलेज ले लो, जिससे कि आप पहले से ही अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए प्रिपेयर होने का वादा अपने आप से कर सको, समझ में आया। तो इस तरीके से आप अपने मेरे वीडियोस को देखते रहिए, पिछले वाले वीडियोस को भी देखिए, इसको भी देखिए, कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व होते रहेंगे, और ये सॉल्व करने के लिए मैं आपके पास में रेडी हूँ। और भी कोई क्वेरीज हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको क्या दे रखा है, गूगल फॉर्म इंसर्ट कर रखा है, उस गूगल फॉर्म में जाइएगा, वहां पे क्वेरीज डालिए, मैं उनको बड़ी अच्छी तरीके से देख रहा हूं, लाइव सेशन के अंदर उन सारे क्वेरीज का आंसर दूंगा। फिर भी कोई डाउट है इंस्टेंटली तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उनका आंसर करूंगा। थैंक यू।